सदस्यों, हमारे भूकंप कमेटी मदीना के चीफ कोऑर्डिनेटर नौशीन काजी को मैं दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आके लफ्ज़ उठाए करें। मालूम दी है उसी तरह हमारे हमारी कमेटी के बारे में मालूम दी है जो एक्टिविटीज है जो हमारे कम्युनिटी के तालुक से जो मालूम है और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बताई अभी रही कुछ एक बात जो हमारी कम्युनिटी एक चीज में एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तीन सालों से और वो है एक क्रिकेट के मुताबिक अगर भी टीम से खेलता हूँ हमारी टीम से तो उस बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम जो है रियाज तमाम जुबेर जिद्दा यहाँ पे जो लीग मैचेस होते हैं ओपन के उसमें हिस्सा लेती है हमारे रिजल्ट से आए हैं भाई तो समझ गए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म भी दिया है नेशनल मदीना से हम जाते हैं दूर खेलने के लिए प्लेयर्स को लेकर जाओगे जितना हमारे टीम में खेलने वाले प्लेयर है जितना उनका ताल्लुक रहता है टीम के लिए उसी तरह टीम को सपोर्ट करने के आते हैं हमारे मदीना से जो कमेटी के मेंबर हैं उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा रहता है इसमें दो साल पहले रियाद केसीआर का जो टूर्नामेंट हुआ था केपीएल उसमें हमारी टीम कुछ मतलब 19-20 के पर के हिसाब से फाइनल से रनरअप रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रनरअप रहे थे इसी तरह यहाँ मदीना में भी लीग मैचेस होते हैं जिसमें ओपन के नहीं ओपन मैचेस होते हैं जिसमें हमारे इधर कोपन इंडर फाइटर नाम से टीम है कोपन की अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने तकरीबन जब 2 साल में मैंने अपॉइंट किया उसको और हमारे उसमें कोपनी भाई अच्छी तरह शिरकत करते हैं और जिस तरह हमने इस टीम को फॉर्म किए उसी तरह कुछ मामलों में हमने इधर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए ओपन टूर्नामेंट कोपन नहीं ओपन टूर्नामेंट क्योंकि यहाँ पे कोपन के दम है तो इसलिए हमने ओपन टूर्नामेंट किया और सक्सेस रही और यहाँ पे हम दो विनर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बार फाइनलिस्ट रहे हैं दो बार विनर भी रहे हैं तो क्रिकेट में अच्छी वैसे इधर हमारे प्लेयर है और अगर और भी हमको प्लेयर मिलते हैं तो हमारी टीम यहाँ पे एक टॉप लेवल की कोई टीम हो जाएगी तो इंशाल्लाह कोशिश है हमारी इधर भी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब सुपर के बारे में हमारे सुपर साहब ईशा भाई ने भी बताया तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब इतना बताने की अभी जरूरत है अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता चला है जिससे जिस मुताबिक से मैं था तो उस हिसाब से मैंने ये बात रखी है अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक बार मैं जितने भी हमारे मेहमान खुशी से मेहमान यहाँ आए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इंशाल्लाह।